बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की अपडेट लेके फिर वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर खिदमत हुआ हूँ। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के ये टॉप पे खड़े होकर पहले आज मैंने ये वीडियो बनाई है। टॉप के ये राइट साइड जो काम थोड़ा सा रहता था वो कंप्लीट हो चुका है इरेक्शन का। अब ये क्रेन भी आप देख रहे हैं, क्रेन क्लोज हो चुकी है। क्रेन में आगे लेफ्ट साइड पे आप शिफ्ट हो जाएगी, ये राइट साइड है। राइट साइड का इरेक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है, अभी लेफ्ट साइड पे ये शुरू हो जाएगी क्रेन और टॉप का फ्लोर। बस इंशाल्लाह दोनों क्रेनें मिलकर ये काम कर रही हैं तो ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। अभी आप ख़ुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना काम बाकी है और क्रेनों ने किस तरह काम खींचा है। और सामने ऊपर आपको एफिल टावर भी नजर आ रहा है, एफिल टावर। बाकी रहा ब्लीचर का मसला, ये भी देखो कब तक शुरू होता है, इसका भी इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। बाकी ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड की ये थोड़ा सा एरिया रहता है इलेक्शन का। ये अभी सामने देखें कारियन ने लेफ्ट साइड को संभाला हुआ है और इसकी दूसरी साइड पे जो कॉलम रहते थे, चार कॉलम रहते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गए हैं। करें ने मुकम्मल कर दिए हैं कॉलम के बाद, बस ऊपर बीम रखने और स्लैब हैं। अच्छा आपको ये बता दूं, कॉलम जितने भी थे वो सारे अभी इरेक्ट हो चुके हैं अंदर के, और बाहर एलिवेशन के कॉलम रहते हैं वो 96 कॉलम है, 96 कॉलम। वो भी इंशाल्लाह देखो नई क्रेन आएगी तो वो शुरू कर देगी काम, बाहर वाले कॉलम और ऊपर वाला सेकंड स्टैंड या टीआर का है, जो भी आप बेहतर समझे उस पर भी वर्किंग शुरू कर देगी। ये प्रीसेंट 35 है, प्रीसेंट 35 का एरिया है। ये टॉप पे खड़ा तो मैंने कहा ये भी व्यू दिखा दूँ आपको, ये प्रीसेंट 35 का, ये अभी अंदर का नज़ारा है। ये अभी देख सकते हैं आप, ये लेवल 2 भी है, सेकंड फ्लोर है, काम शुरू हो चुका है जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए काम चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको एवरी डे न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, हर फिक्र के स्टेडियम की अपडेट, डेली की डेली अपडेट मिलती रहे। अभी आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा कि कॉलम मुकम्मल हो चुके हैं और कहाँ तक कॉलम, जो कॉलम रहते थे वो भी मुकम्मल हो चुके हैं और बीम स्लैबें ये भी मुकम्मल हो चुकी हैं काफ़ी। इंशाल्लाह जो दूसरी क्रेन क्लोज तो हो चुकी है वो कल तक इंशाल्लाह वो शिफ्ट हो जाएगी, जो ही उसने शिफ्ट होना है तो काम उसने अपना मुकम्मल करते जाना है। आप दोनों क्रेन मिल के ये काम इरेक्शन का फाइनल करके ही जाएंगे। ये भी आप देख सकते हैं कॉलम सारे इरेक्ट हो चुके हैं, जो बाकी रहते थे चार कॉलम, पिछली वीडियो में आपने देखा था चार कॉलम रहते थे, आज क्रेन ने वो मुकम्मल कर दिया। इसके बाद सिर्फ बीम और स्लैबें रहती हैं, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे। दो क्रेन हैं, दो क्रेन हैं तकरीबन अंदाजा 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये मुकम्मल हो जाएंगे एडिशन का। फिर अभी दूसरी क्रेन आ रही है जो इससे चाहिए, दोनों क्रेनों से बड़ी क्रेन है, वो क्रेन भी सेकंड टीयर जो सेकंड स्टैंड रहता है उसका काम करेगी, क्योंकि वो हैवी काम है, ऊपर का काम है ज़्यादा, इनकी इन दोनों क्रेनों की रेंज से ज़्यादा है। जो अंदर से ही खड़े और उसके पैर वाले कॉलम एलिवेशन कॉलम है खूबसूरती के लिए जो बनाए गए हैं, वो भी बहुत बड़े कॉलम हैं, उनको भी लगाएंगे, वो भी इंशाल्लाह 10-5-6 दिन तक उसके भी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी क्रेनों की, वो भी आपको इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा जो ये क्रेन आएगी, और उसकी वीडियो भी बना के आपको शेयर करूँगा। अच्छा आप ये बताता जो
वीआईपी एरिया है, इसकी ब्लॉक मेसनी है, ये ब्लॉक मेसनी भी तकरीबन कंप्लीट होने जा रही है और इसका अंदर का प्लास्टर भी जा रही है, इलेक्ट्रिकल वर्क भी जा रही है। ये अभी देखें आप अंदर की तरफ कुछ व्यूअर कहते हैं कि भी ये प्रोजेक्ट बहुत लेट है और 2099 में कंप्लीट होगा या 2050 में ये कंप्लीट होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये अपना अभी आपके सामने ही है। इलेक्शन का काम तो इसका मुकम्मल होने जा रहा है इसी हफ्ते या नेक्स्ट वीक में ये मुकम्मल हो जाएगा, इसी जनवरी के महीने में। बस एक सेकंड टीयर रहता है, वो भी बड़ी क्रेन इंशाल्लाह वो भी चल पहुंच जाएगी, आप देख लेंगे। तो ब्लॉक मिक्सिंग का काम भी आपके सामने चल रहा है, ये अंदर का व्यू था आपने देखा है, और एलिमेंट्स तकरीबन जो इलेक्शन के हैं वो भी कंप्लीट, बहुत कम रह गए जो पोरिंग के लिए, बाकी तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। इलेक्शन का काम सिर्फ सेकंड टीयर रहता है, सेकंड स्टैंड, बाकी फर्स्ट स्टैंड का तो इतना नहीं है, वो थोड़े से ब्लीचर रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कम्प्लीट हो जाएंगे। और ये इंशाल्लाह 2025 में ही चैंपियन ट्रॉफी का जिस तरह कहा जा रहा है, जरूर बैरियर टाउन मैनेजमेंट इसमें 2025 का चैंपियन ट्रॉफी कराएगी और उसी हिसाब से ही ये चल रहा है स्टेडियम। तो ऐसा भी मसला नहीं है, ये अभी आपके सामने ये पैनल भी पीछे लगे हुए थे कंक्रीट, ये आगे भी पैनल का काम जारी है, कंक्रीट का स्टील का काम काफ़ी, ये राइट साइड का तो स्टील कंप्लीट हो चुका है और इसी के ऊपर वर्किंग जारी है कंक्रीट की। अच्छा वीडियो को स्किप नहीं करना, आगे नहीं बताना, क्योंकि इससे फिर आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि कितना काम बाकी है और क्या हो रहा है, क्योंकि बीच बीच में टुकड़ों टुकड़ों में ये काम कर रहे हैं, कहीं पे स्टील है तो कहीं पे कंक्रीट है तो कहीं पे ब्लॉक मैसी है तो कहीं पे प्लास्टर वर्क है तो कहीं पे ये इलेक्ट्रिकल वर्क चल रहा है, प्लम्बिंग का काम भी चल रहा है। पिछली वीडियो में आपने देखा है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर में बल्कि हाँ ग्राउंड फ्लोर पे वो प्लम्बिंग का स्टील का ब्रीकर्स के नीचे काम था, अभी काम चल रहा है। अभी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं और ऐसा क्योंकि कोई इशू भी नहीं है कि ये काम बंद हो गया है या काम रुक गया है या काम काम की स्पीड बहुत कम है, ऐसा कोई मसला नहीं है, काम सही स्पीड के साथ जा रहा है, अपने हिसाब से ये सही जा रहा है, जिस तरह की टारगेट है अपना टारगेट इंशाल्लाह पूरा करके कामयाब होगा। और ये स्टेडियम बहुत खूबसूरत है, जदीद स्टेडियम है, जदीद हर चीज़ आपके सामने है, आवाज़ें प्रॉपर तरीके से बनाई जा रही है। ये अभी देखें जी मुकम्मल एलिमेंट्स भी अंदर पड़े थे सारे, ये अभी आप इधर से ही खड़े होकर एफल टावर भी देख सकते हैं, ये एफल टावर भी देखें, दिन का वक्त है तो इसलिए इसमें लाइटें जगमगा नहीं रही, रात में इसकी लाइटें भी जगमगाती हैं। ये सेंटर में खड़े होकर बनाई है, आपको लिवाज करने के लिए भी कितना काम हो चुका है। ये राइट साइड है रफी क्रिकेट स्टेडियम की, क्योंकि स्टेडियम की राइट साइड का जो रेशों का काम मुकम्मल हो चुका है, क्रेन भी आपके सामने क्लोज हो चुकी है, ऊपर का जो भी है वो कार्सन प्लेस है, वो इंशाल्लाह वो भी जल्द शुरू हो जाएगा काम उसका। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि एवरी डे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, हर रोज़ की आपको नई से नई अपडेट मिलती रहे। ये अभी देखें इस लेफ्ट साइड का काम आपके सामने
तक तो गया हुआ, सिर्फ एक ऊपर की स्लैब रहती है और पीएम वो इंशाल्लाह जो ही ये थ्री क्रेन रेड क्रेन आपको नजर आ रही 220 टन है हाइड्रोलिक है, ये आगे शिफ्ट होते ही इसमें शुरू कर देना है काम, कर ले इंशाल्लाह शिफ्ट हो जाएगी तो इसने भी काम शुरू कर दिया। और आगे ये है मैकेनिकल क्रेन है, ये 150 टन है, ये 150 टन है, इसने अपने कॉलम कंप्लीट कर लिए। अभी ये इस तरफ से पीछे जाएगी, वो दूसरी क्रेन उधर से आएगी, ये इंशाल्लाह हफ्ते दो हफ्ते के अंदर अंदर ये भी अरेस्टन का काम कंप्लीट हो जाएगा। ये वी ए पी एरिया, वी ए पी एरिया का तो अरेस्टन ऑलरेडी पहले से ही मुकम्मल है, कंप्लीट हो चुकी है। अगर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।